हेलो गाइस, आज मैं आपको 21st सेंचुरी का प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन बताने जा रहा हूँ। तो क्यों ना हम लोग आज अभी से शुरू करें मेडिटेशन। यही एक इजीएस्ट प्रोसेस है सबको जानने का। अगर आप लोग यूट्यूब पे देखो या फिर किसी गुरु को देखो, तो वो लोग जो विधि बताएंगे वो कभी ट्राई मत करना, क्योंकि वो लोग जब छोटे थे तब ये सब फेसबुक व्हाट्सएप ये सब कचरा नहीं था, गेम्स वगैरह, तो वो लोग बहुत शांत होते थे तब। 50 साल पहले ही देखो, अभी 20 साल पहले ही देख लो, मोबाइल नहीं आया था, टीवी शायद ही था। तो उनका किसी कोई चीज़ फॉलो मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप अगर मान लो आज पहली बार आप मेडिटेशन में बैठे और बैठने के बाद आपको याद आया कि बॉस ने आपको गाली दिया, तो आप मेडिटेशन में बैठ के बॉस को गाली दोगे तो इससे आपको हार्म ही होगा, ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए। तो मेडिटेशन शुरू से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कचरा ले लिया है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा कचरा है। कचरा इन द सेंस कि हम लोग बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमेशा कुछ नहीं कर रहे फिर भी दिमाग में चल रहा है ये गेम वगैरह, ये सब ऑफिस, ये सब मोबाइल, सब कुछ चल रहा है। इसीलिए खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे पहले ही लोग बोलते थे खुद को पवित्र करो, शुद्ध करो, अभी तो बहुत ज़्यादा मिलावट है हम पे, तो वो सब हटाना पड़ेगा। पहले तो मेडिटेशन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ चीज़ आप याद रखिए जो चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी करना है, जैसे कि योगासन। ये फॉर एन एग्जाम्पल सूर्य प्रणाम, और आप किसी और भी योगासन कर सकते हैं जैसे पद्मासन और वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार जरूर करना। योगासन से क्या होता है, आपका फिजिकल फिटनेस आता है। जैसे कि आप मान लो मेडिटेशन कर रहे हो, तो अगर 10 मिनट ऐसे ही बैठे हो मेडिटेशन में, आपका पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो वो सब ख्याल रख के। और दूसरा चीज करना है जो कि प्राणायाम, हर रोज करना है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, अपने सांस को अंदर बाहर करना। खुद का माइंड फोकस करने के लिए आप जैसे रात के आसमान में किसी स्टार को देख सकते हो, प्रॉपर वही डॉट पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, ताकि बाकी चीज ना दिखाई दे। जैसे कि आप बैठे बैठे किसी पेन के निब को देख सकते हो, तब तक नहीं छोड़ना जब तक बाकी आसपास की चीज गायब ना हो जाए। और एक चीज जो आपको मस्ट करना ही है वो कि रात को सोने से पहले सांस पेट तक लेके जाना है और पेट से छोड़ना है, पेट से सांस लेना, पेट से छोड़ना, और धीरे धीरे ऐसे, ठीक है? तो बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत गहरा सांस लेना। आप घर में बैठे हो, फ्लोर में आप चल रहे हो, तो आग बंद कर लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए, चुपचाप ऐसे धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते, ये सब इसमें ध्यान करते करते चलिए धीरे धीरे, जैसे कि ऐसा करते करते धीरे धीरे चलिए शांत होते, इससे मौन भाव उत्पन्न होता है, ठीक है? तो ये चीज दिन में किसी भी टाइम करना, जब किसी भी कारण आप परेशान हो, गुस्सा हो, तो ये करना, जोर जोर सांस लेना ऐसे करके, और पेट तक लेके जाना, उसमें ध्यान रखना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ठीक कर देगा। ये दिन में कभी भी कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा जब भी याद आए, जब भी कोई काम करते करते याद आए तो ये कर लेना, ठीक है? ये सबसे आपका माइंड फोकस होगा। और पहले दिन करना कि आप चुपचाप सीधा बैठे रहना, आंख बंद करके किसी भी पोज में बैठना, सुखासन हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो, ये तीन में से किसी भी आसन में बैठना। दूर का सुनना आवाज, ठीक है? मतलब जितना दूर का हो सके आवाज सुनना, जैसे कि ट्रेन का सीटी, पंछी का आवाज, जितना दूर का सुनाई दे, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं ना दिन भर कि अगर हमारे पास कोई पंछी चिल्ला रही है तो हम लोगों को सुनाई नहीं देता, कोई बुला रहा है पास से फिर भी हम लोगों को मतलब ख्याल ही नहीं आता, इतना बिजी रहते हम लोग। तो इसलिए बोल रहा हूँ दूर का सुनना, और वो भी ना हो सके तो कुछ भी सुनना, पास का दूर का भी सुनना। जब पास पास में अगर कोई ज्यादा डिस्टर्ब करे, तो आप एक चीज कर सकते हो, खुद के मन में ऐसा भाव बनाओ कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब आपको नहीं बुला रहा, आपको
आपसे उस आवाज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ये अगर सोच लिया ना तो वो आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर आप दूर का सुन सकते हो। पहले दिन से ये ट्राई करना, कुछ दिन करना ये, जब पास वाला आवाज डिस्टर्ब ना करे तो सोच लेना कि ये ठीक ठाक है, नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो। जो कि है खुद का सांस में ध्यान लगाना। आपको इसमें क्या करना है, आपको सांस अंदर बाहर जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इसमें ध्यान लगाना है बैठ के शांत हो के। और थॉट्स, सबका प्रॉब्लम यही है कि माइंड डिस्टर्ब रहता है, मन बक बक करता है, तो करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जितना बोला गया है उतना करें। क्या बोला गया आपको, सांस पे ध्यान करना, तो वही करें। ठीक है, मन कुछ भी सोचे उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, खुद के सांस के ऊपर ध्यान करें जितना देर हो सके। ये कुछ दिन करना, जब तक आपका माइंड सेटिस्फेक्शन ना। अब महीने भर भी कर सकते हो, साल भर भी कर सकते हो, पूरी जिंदगी भी कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल है। गौतम बुद्ध यही सजेशन अपने शिष्य को यही सिखाता था, उनका गाइडेड मेडिटेशन यही था तब के टाइम, 2000 साल पहले। तब तो ये सब टीवी वगैरह कुछ नहीं था, सभी लोग अच्छे थे बहुत, माइंड में कचरा नहीं था, तो हो जाता था इसी से। ये सब ठीक ठाक हो गया तो अभी कुछ दिन बाद आपको सांस अंदर फोकस करना है, अंदर के चीजों को जानना है। जैसे कि पहले क्या करते थे, जितना दूर हो सके वो सुनते थे, तो अभी आपको बॉडी के अंदर का चीज सुनना पड़ेगा, जैसे कि हार्ट बीट, वाइब्रेशन इन द बॉडी, वेव्स। आप पैर पैर की उंगली से हार्ट बीट गिन सकते हो, तो ये चीज भी करना पड़ेगा। और कहीं भी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई आवाज हो, कोई भी आवाज, उसको पकड़ना, ध्यान अंदर शरीर के अंदर करना पड़ेगा। तब कुछ भी हलचल हो शरीर के अंदर, वही फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हाथ में कुछ वेव हुआ, वेव कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको ये फोकस करना पड़ेगा। आपको फिर सब कुछ दिखाई देगा बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन, लीवर। जैसे किसी का लीवर प्रॉब्लम है तो उसका लीवर में थोड़ा पेन हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ये तो गया अंदर की बात, ये सब कुछ ध्यान नहीं है। ठीक है, मतलब ध्यान अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये सब करते हैं क्योंकि माइंड को फोकस करने के लिए, अपना फोकसिंग पॉइंट एक निडल की तरह, सुई की तरह थिंक करने के लिए ये सब चीज किया जाता है। आप कितने थिंक पॉइंट में आपका फोकस जाता है, आपको खुद को परखना है कि कितना आपका फोकसिंग पॉइंट थिन हुआ है, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ एक चीज, इसके बाद आपका फोकसिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा, तो यूट्यूब पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मेडिटेशन का टेक्निक दिखाएगा यूट्यूब पे, वो सब मत देखना। कहीं पे बोलेगा कि अपने माइंड में फोकस करो, फोरहेड में फोकस करो, कि स्पाइनल कॉर्ड में फोकस करो, चक्र खुलेगा, ये सब कभी मत करना प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कभी मत करना, क्योंकि आपका फोकसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग माइंड में फोकस किया ना फोरहेड में, तो आप पागल हो सकते हो, दिमाग खराब हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में फोकस किया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। कहीं भी फोकस मत करना इसके बाद, क्योंकि आप फिजिकल बॉडी में अगर फोकस किया ना तो उधर का सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकसिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा सुई की तरह। देखिए, आपका 5 सेंस है, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन। ये भगवान ने ये 5 चीज क्यों दिया है पता है, ताकि हम बाहर के दुनिया से संसार के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं, अंदर की चीज जान रहे हैं, तो इन सब से थोड़ा दूर रहना होता है। फर्स्ट डे में आप कान में हेडफोन लगा के और आंख में पट्टी डाल के कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब आदत छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग घर के अंदर बैठ के कीजिए मेडिटेशन, जा और पंखा बंद कर लीजिए, क्योंकि फिर आपका स्किन स्किन में हवा लगेगा, वो काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मेडिटेशन में आग बंद करके करते हैं। तो फोकसिंग पॉइंट पे थे हम लोग, कहीं भी फोकस मत करना। जैसे पैर में दर्द हो रहा है तो होने दो, पैर में फोकस मत करो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, और एक चीज, आपको बहुत ज्यादा योगासन एंड प्राणायाम करना पड़ेगा। जैसे जैसे मेडिटेशन आप करते जाओ, आप लोगों को रियलाइज होगा कि कौन सा चीज कब करना है। जैसे कि अगर मैं सपोज 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ और हिल भी नहीं सकते, तो पीठ में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और अपने पैर पे नी पे भी पेन होता है, तो ये सब समझ के आपको योगासन करना होता है जब तक ठीक ना हो। ये हर किसी के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। जैसे कि मैं फिजिकली वीक हूँ इसीलिए मेरे को ज्यादा करना पड़ता है, ये तो पूरी जिंदगी योगासन एंड प्राणायाम पूरी जिंदगी करना पड़ेगा।
हाँ, तो हम लोग फिर से वापस आते हैं मेडिटेशन पर। हम लोग अंदर की चीज सब कुछ जान लिए, सब कुछ नहीं मतलब बहुत ज्यादा जान लिए। फोकस पॉइंट भी हमारा बहुत शार्प हो गया। हाँ, फोकस कहाँ पर करना है यही चीज है। हम लोग बॉडी पार्ट में कहीं भी फोकस नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है, अपने थॉट को पकड़ना है। इसके बाद ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। इसी दिन आप पहली मेडिटेशन कर रहे हो, इससे पहले आप लोग प्रिपेयर हो रहे थे। कैसे प्रिपेयर हो रहे थे, अपने फोकसिंग पॉइंट को प्रिपेयर कर रहे थे। ये फर्स्ट डे ऑफ मेडिटेशन, इतना दिन जाके ये तक पहुंचने में आपको शायद 2-4 जन्म भी लग सकता है या फिर 2-4 हफ्ते भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितना कष्ट हो। तो इसीलिए बाकी सारे चीज ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्राणायाम, योगासन, आंख बंद करके चलना, फोकस करना नीलिन पे, ये सब बहुत ज्यादा किया तो बहुत जल्दी हो जाता है। पहली मेडिटेशन में क्या करना है, आपको थॉट को पकड़ना है। हमें शरीर के कौन से हिस्से से ये थॉट पैदा होता है, शरीर के कौन से हिस्से से, ये आपको जानना है। ठीक है, और कहाँ पर जाता है थॉट, कहाँ से पैदा होके कहाँ तक जाता है थॉट, ये सब कुछ पूरा थॉट पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बैठा हूँ मेडिटेशन में, मेरा फोकसिंग पॉइंट बहुत ज्यादा शार्प है। एक थॉट आया कि खाना खाना, इसके बाद आप लोगों को जानना होगा कि थॉट कहाँ से कहाँ तक जाता है। मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, फिर आप लोग यकीन कर लोगे जो कि ठीक नहीं है क्योंकि खुद से जानना पड़ता है। तो थॉट कहाँ से कहाँ तक जाता है आप लोग जान लिए, तो थॉट को पूरा जान लिया आप। थॉट को जानने के बाद, थॉट रिलेटेड टू माइंड, थॉट को अगर आप लोग जान लिए तो माइंड को भी आप लोग जान पाएंगे। तो अभी थॉट के बाद किसको पकड़ना है, माइंड को, मन को पकड़ना है। मन कहाँ पर रहता है, ठीक है, मन कहाँ पर रहता है, कैसे काम करता है, और मन मन को पकड़ना है, मन के पीछे दौड़ना है। ये सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन है, मन को पकड़ना। आप लोग को एक चीज बता दूं, हम लोग अपने आत्मा को जानने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आत्मा ही भगवान है, भगवान का अंश है। आत्मा से मिला हुआ कुछ चीज हमारे फिजिकल बॉडी को पता है, तो वो है माइंड। सिर्फ मन ही है जो आत्मा का खुद का चीज है। तो आत्मा को जानने के लिए तो माइंड को ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये है सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन, माइंड को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग माइंड के पीछे दौड़े तो आप लोग देख पाएंगे कि माइंड कहीं पे जाके छिप जाएगा, एक जगह जाके, और शांत हो जाएगा। इतना शांत हो जाएगा कि आपको क्या बताऊं, कुछ सोचेगा भी नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं। इतना बड़ा आनंद होगा, दुनिया का सब कुछ मिल गया आप लोगों को। तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहा है। तो माइंड को जानना पड़ेगा, वो कहीं पे जाके छिप जाएगा माइंड, तो उसको पकड़ना है। कहाँ पर छिपता है उसको वहीं पे अटका के रखना है माइंड को, यही आपका काम है। अटका दिया है माइंड को आप उधर, अटकाने के बाद माइंड का खुदाई करना पड़ेगा क्योंकि आत्मा से मिला हुआ एक ही चीज है जो हमको पता है, वो है माइंड। अभी माइंड को खोदना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है, देखना पड़ेगा। तो फिर आपको दिखेगा कुछ, माइंड को आप अगर आप खोदे तो आप कुछ एनर्जी मिलेगा, वही आपका आत्मा है, कुछ ब्लैक होल टाइप आप समझ सकते हो। ये हाइपोथेटिकली ये बताया नहीं जा सकता मुंह से, कुछ तो मिलेगा माइंड को खुदाई करने के बाद, वो है आप खुद, आपका आत्मा। अगर आप खुद को मिल जाए तो हो गया, जीवन सार्थक हो गया। अभी आपको कुछ भी चीजों से डर नहीं लगेगा इसके बाद, ना जीवन से, ना मरण से। आपके अंदर गुस्सा भी पैदा नहीं होगा, कुछ भी क्रोध, हिंसा, अहंकार, ये सब कुछ भी होगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सब लोगों के अंदर गुस्सा होता है, अहंकार होता है। एक तरह के लोग बाहर दिखाते हैं और दूसरे तरह के लोग दिखाते नहीं, अपने अंदर अटका के रखते हैं। और ये है तीसरे तरह के लोग, खुद को जानने के बाद ये सब पैदा ही नहीं होगा। जब खुद को मिल जाएगा ना, उसके बाद भी आपको खोदना पड़ेगा, वो खुद को खोदना पड़ेगा, खुद को खुद के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आपको भगवान मिलेगा। हालांकि मेरे को इस बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ जो कि बताना नहीं चाहिए। आप जीसस क्राइस्ट हो गए जिस दिन आपको भगवान मिल जाएगा। तो लास्ट में आप लोगों को जिस्ट बता देता हूँ, जैसे कि मेडिटेशन से पहले योगासन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए ताकि खुद को प्रिपेयर कर पाए। और कभी कभी आप लोगों को ऐसे ही चुपचाप सांस पे ध्यान करना है, किसी भी टाइम कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते खुद के सांस पे थोड़ा ध्यान लगाना,
ताकि वो पेट तक जाए, पेट से निकले, किसी भी काम करते करते, छोटा मोटा काम करते करते, या फिर नहीं भी कर रहे हो तो आँख बंद करके मौन भाव करके धीरे धीरे चलना। और पहला स्टेप जो कि है वो आँख बंद करके बाहर का दूर का सुनना, जितना दूर का हो सके, क्योंकि आप लोग बिजी रहते हो, किसी को दूर का सुना ही नहीं देता, ख्याल ही नहीं आता, तो ये करना, दूर का सुनना। कभी भी किसी भी छोटे डॉट पे फोकस करना तब तक जब तक आसपास का चीज ना गायब हो जाए। अभी शुरू होता है अंदर का चीज जानने का, अपने शरीर के अंदर कहाँ क्या है, ये सब आप लोगों को पता लगाना पड़ता है, ठीक है, ये सब देखना कहाँ पर क्या है। अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर आना थॉट पे, ठीक है, आपका फोकसिंग पॉइंट बहुत ज्यादा शार्प हो गया है अभी, तो आ जाना सीधा थॉट पे, थॉट को देखना कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, फिर माइंड को पकड़ना, माइंड के बाद, माइंड को खोदने के बाद आपको सोल मिलेगा, खुद का आप खुद मिलोगे। इतना ही तक बता सकते हो, गुड बाय।